दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर राज्य सरकार का एक और काला सच यहाँ पे बेरोजगारों के साथ अन्याय को बढ़ावा देते हुए यहाँ पे देखा गया। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पंचायती राज विभाग में राज्य अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती 2013 के रूप में निकाली गई थी। इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा 2.19 करोड़ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स यानी कि उसका शुल्क जो है वो यहाँ पे जमा करवाया गया। हालांकि इस भर्ती को फाइनली यहाँ पे अब कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों को लगातार यही मांग है कि उनका जो फीस है, उनकी जो फीस उनसे ली गई है राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न एजेंसियों के द्वारा इस भर्ती में, वो वापस यहाँ पे करवाई जाए। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि यहाँ पे वापस करने के कोई प्रावधान उनके यहाँ पे नियम यानी कि नियमावली में नहीं है। तो चलिए इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। यहाँ पे बेरोजगारों के साथ सरकार का एक बड़ा यहाँ पे खेल देखने को मिला, जो कि स्कीम आप देख ही पा रहे हैं। नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगारों को लूटने में सरकार भी पीछे यहाँ पे नहीं है। पंचायती राज विभाग में ऐसा ही एक अजीब मामला हाल ही में सामने आया। विभाग ने राज्य अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती 2013 में 4,913 पदों के ऊपर भर्ती निकाली थी। हालांकि इस भर्ती के लिए टोटल 49,322 अभ्यर्थियों ने 2.19 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क जमा करवाया। साथ ही यहाँ पे वर्ष 2017 में सरकार ने भर्ती वापस ले ली। अब साल 8 वर्ष से अभ्यर्थियों को अब जो परीक्षा शुल्क है वो यहाँ पे इन एजेंसियों के द्वारा नहीं दिया गया। हालांकि मांग करने पर इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये किसी भी आरटीआई नियम में ये नियम जो है वो यहाँ पे नहीं है कि हम आपकी फीस वापस दें। साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन भर्तियों पे जो आवेदन है वो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन करवाए गए थे, जिसमें कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती जिसमें 2186 पदों के ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज होनी थी। साथ ही इसके लिए आवेदन जो है 9,421 टोटल आवेदन आए थे। और परीक्षा शुल्क की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। साथ ही सहायक कार्यक्रम अधिकारी के 249 पदों के ऊपर 8,042 टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आए थे। साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो 460 पदों के ऊपर भर्ती के लिए 10,433 यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे। अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करें तो 1,870, साथ ही उसके लिए 6,977 जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो जमा करवाए गए थे। उसके बाद में कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 54 वैकेंसीज के लिए 720 एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे। कोऑर्डिनेटर आईईसी की तो इसके लिए टोटल 44 वैकेंसीज के लिए 7,119 एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे गए थे। कोऑर्डिनेटर सुपरविजन्स की बात करें 50 वैकेंसीज के लिए 6,610 टोटल एप्लीकेशन फॉर्म्स इसमें भरवाए गए थे। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 साल से लगातार इन भर्तियों का इंतजार अभ्यर्थियों को है, जो कि बेरोजगारी से जूझ रहे उन युवाओं के लिए जो लगातार इन भर्तियों के ऊपर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं। साथ ही 2017 में वापस इस भर्ती को लेना यहाँ पे भर्ती का आज तक पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कनिष्ठ अभियंता के 2100 पदों पर भर्ती की घोषणा यहाँ पे की थी। इनमें से 549 पदों पर यहाँ पे भर्ती की जानी है। भर्ती पूरी करने और परीक्षा शुल्क वापस नहीं की मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा भी सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ यहाँ पे इन अधीनस्थ कर्म जो अधीनस्थ बोर्ड हैं उसके द्वारा निकाली गई थी 2013 में, और वापस से उस भर्ती को रद्द करके उनकी एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे अभ्यर्थियों को समय पर नहीं लौटाई गई। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपसे कहना चाहूँगा, जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा ध्येय है और हम इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।